जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन और यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी खाटू श्याम जी के पूरी यात्रा भी कर सकेंगे। अगर आप भी मंदिर में जाकर बाबा जी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप बाबा जी के दरबार सीकर राजस्थान कैसे पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद में आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आपको इस प्यारी सी यात्रा करने में कितना समय लगने वाला है, और हम लोग जानेंगे कि आपका कुल बजट क्या लगने वाला है। तो ए टू जेड फुल जानकारी के लिए वीडियो के एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा जी की प्यारी पावन यात्रा को। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा है। सो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है बाई ट्रेन। आप जिस भी राज्य से आ रहे हैं, आप वहाँ से रिंगस तक की ट्रेन करके रिंगस तक आ सकते हैं। रिंगस जंक्शन यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है बाबा जी का दरबार। सो रिंगस रेलवे स्टेशन के जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे, बाहर की साइड आपको इस तरह की जीप वगैरह देखने को मिलेंगी, जो कि 50 रुपये आपका पर व्यक्ति चार्ज करेगी और आपको बाबा जी के दरबार तक छोड़ देंगे। अगर आपके शहर से रिंगस जंक्शन तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप जयपुर तक आ सकते हैं। जयपुर बहुत ही वेल कनेक्टेड है, ये हर एक राज्य से आपको ट्रेन मिल जाएगी। सो यहाँ पहुँचने के बाद जयपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है सिंधी कैंप बस स्टैंड, वहाँ से आपको बाबा जी के दरबार तक की बस मिल जाएगी, जो कि आपका 100 से 150 रुपये चार्ज करेगी और आपको बाबा जी के दरबार पहुँचा देगी। तीसरे तरीके की बात करें तो आप आ सकते हैं बाई फ्लाइट। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो भी आपको जयपुर एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा। जयपुर एयरपोर्ट से फिर आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा। सिंधी कैंप बस स्टैंड से वहां से आपको फिर से बाबा जी के दरबार तक की बस करके बाबा जी के दरबार पहुंचना होगा। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं बाबा जी के दरबार में। बाबा जी के दरबार में पहुंचने के बाद बस आपको इस लोकेशन पर उतारेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं बाबा जी का गेट बना हुआ है। यहाँ से एंट्री करते ही यात्रा आपकी चालू हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ से निशान उठा के बाबा जी का यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। इस साइड ही आपकी पार्किंग वगैरह आप देख सकते हैं। अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं तो आप कार वगैरह पार्क यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए आपको जगह जगह पर बहुत सारे होटल व धर्मशालाएँ देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप रुकना चाहते हैं तो आराम से होटल या धर्मशाला ले कर यहाँ पे होटल में आप स्नान वगैरह करके कपड़े वगैरह चेंज करके फिर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। होटल के चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको सस्ते से लेके सस्ता और महंगे से लेके महंगे होटल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 300 से 400 रुपये से स्टार्टिंग होकर होटल मिल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं बाबा जी के दरबार की यात्रा करने। रास्ते में आपको बहुत सारे श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। आज देश भर में बाबा जी के श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनके मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा बनते जा रहे हैं। सो अगर आपको यात्रा में निशान लेके जाना है तो आप निशान लेके भी अपनी यात्रा को कर सकते हैं, जो कि मंदिर में दर्शन करने से पहले वहाँ पर चढ़ाया जाता है। बाबा जी के दर्शन करने से पहले सबसे पहले प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन करने होते हैं। माना जाता है श्याम कुंड में नहाते हैं तो आपके सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, बट अभी श्याम कुंड में पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, सो यहाँ पे लोग नहा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे अपने पैरों को धो के अपने ऊपर पानी का किंचाव करके यहाँ पे आशीर्वाद लेके फिर आगे अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। तो श्याम कुंड में आप ज़रूर जाइएगा, और नहाने धोने की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती है श्याम कुंड में, सो आपको उसके लिए अलग से होटल वगैरह ही लेना पड़ेगा, या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहाने के लिए भी बहुत सारे जगह पे ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत सारे दुकानदार भी आपको 40 से 50 रुपये लेते हैं और आपको नहाने धोने की फैसिलिटीज़ देते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको होटल नहीं लेना है तो।
यात्रा से पहले भी आपको इस तरह का एक वात्सल्य भवन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना रूम वगैरह ले सकते हैं, जो कि यात्रा जहाँ से बाबा जी के दर्शन होते हैं जस्ट वहाँ पे ही ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से बाबा जी का दरबार चालू होता है, यहाँ से लाइन लगनी चालू हो जाती है और यहाँ पे आप अपने जो निशान लेके यात्रा करते हैं वो लोग भी अपना निशान यहीं पे जमा कर देते हैं। तो अब चलते हैं अंदर। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। यहाँ पे इस तरह बहुत सारी रेलिंग आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग बनी हुई है। अगर आपको बाबा जी के दर्शन सबसे पास से करने हैं तो ये सबसे कॉर्नर वाली रेलिंग से आपको आना चाहिए, और अगर आप बाबा जी के प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह रास्ते में आपको लगे हुए मिलेंगे। यहाँ पे आप अपना प्रसाद रख सकते हैं, गुलाब का फूल या प्रसाद जो भी लाए हैं आपको यहीं पे रखना होता है। करते हैं अब बाबा जी के दर्शन। यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं दिया जाएगा। अगर आपको फ़ोटो वोटो जो भी खींचना है तो जल्द से जल्द चोरी छुपे आपको खींचना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं होता है। बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप इस तरह यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। प्रसाद वगैरह लेके आप अपनी यात्रा को यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं। बात करें कुल बजट की तो पर व्यक्ति आपका यहाँ पे 1000 रुपये के आसपास लगने वाला है, जिसमें मैंने आपका बस या ट्रेन का कन्वेंस ऐड नहीं किया है, वो आपका एक्स्ट्रा होगा। इसमें मैंने केवल आपका नहाने धोने का खर्चा अगर आप रूम लेते हैं या होटल लेते हैं उसको ऐड किया है, खाना पीना ऐड किया है एंड प्रसाद ऐड किया है। यहीं पे बाबा जी की पावन यात्रा को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।